मणिपुर में की। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मणिपुर हिंसा को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा है। लोकसभा में हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसकी चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कारण मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। साथ ही केंद्र पर देशद्रोही होने का भी आरोप लगाया। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला बोला और सवाल उठाया कि जो मणिपुर पिछले कई महीनों से जल रहा है, उसके हालात जानने वो क्यों नहीं गए। साथ ही राहुल ने पीएम मोदी पर मणिपुर को बांटने के भी आरोप लगाए। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। शेम, शेम, शेम। मैंने 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 मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी के तीखे हमलों से लोकसभा में विपक्ष भड़क गया और भाषण के दौरान ही जमकर हंगामा करने लगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत माता की हत्या करने वाले राहुल के बयान पर जोरदार हमला बोला और कहा, भारत माता की हत्या कहना एकदम निंदनीय है। राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत माँ की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन के बाद लोकसभा में हो रहे हंगामे के बीच ही लोकसभा से बाहर निकल गए। इस पर भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, साथ ही कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, खासकर विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर करारा प्रहार किया और कहा, आप इंडिया नहीं हो, आप भ्रष्ट हो। साथ ही क्विट इंडिया का नारा भी दे डाला। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट, इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी, एंड टुडे ऑफ ऑल द डेज पीपल लाइक यू नीड टू रिमेंबर व्हाट वाज टोल्ड टू द ब्रिटिश, क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया। बता दें कि मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी दल ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में सांसदी बहाली के बाद पहली बार लोकसभा में राहुल की हुंकार ने विपक्ष के अंदर नया जोश भर दिया है, जिसकी एक झलक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान आज देखने को मिली है। अब देखना है कि अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में पीएम मोदी किन किन हथियारों से राहुल समेत विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।